और गाइस आज हम जाने वाले हैं राजस्थान के सुप्रसिद्ध जगहों में से एक जगह डिसाइड किया, वो है हवा महल। और वो हमारे घर से 115 या 16 किलोमीटर दूर, तो हम जाने वाले अपनी बाइक से वहां पर और बिताने वाले 24 घंटे लिविंग फॉर 24 आवर चैलेंज। और ये चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मैं और भरत निकल चुके हैं बाइक लेकर। तो गाइस फाइनली अपन तैयार हो चुके हैं, बैग वेग ले लिया, यहाँ पे पानी की बोतल वगैरह जो भी आज के दिन में चाहिए ना वो सब कुछ ले लिया। खाना वाना नहीं लिया, खाना वाना वहाँ पर देख लेंगे, अगर होगा कुछ तो कर लेंगे एडजस्ट। और अभी हम निकलते हैं यहाँ से बाहर, तो चलो। हमने ले लिया 24 घंटे का चैलेंज और 24 घंटे में हमारे सामने प्रॉब्लम्स ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे सामने फर्स्ट प्रॉब्लम आ रही थी कि हम अपने घर से थोड़ी दूर जाने के बाद में हमें आगे का रास्ता पता नहीं था, और हमने लगाया अपने गूगल मैप में हवा महल का रास्ता, योर लोकेशन टू हवा महल। वहां तो पहुंच चुके थे, वहां पहुंचने के बाद हमारा माइंड घूमा और हमने इस वीडियो के अंदर और टीका डालने के लिए हमने अपने प्लान को किया चेंज और हम रहने वाले थे 10 रुपए में 24 घंटे। मेरे पास केवल है 10 रुपए और मैं यहाँ सर्वाइव करने वाला हूँ 10 रुपए के अंदर 24 घंटे के लिए रहने वाला हूँ हवा महल के बाहर। मुझे नहीं पता लिटरली यहाँ की जो पानी की बोतल भी है ना वो भी 10 रुपए से ज्यादा की आती है, तो मैं किस तरीके से सर्वाइव कर पाऊंगा मुझे नहीं पता। यहाँ पर है खूब सारे बच्चे वगैरह, देखो यहाँ पर, यहाँ हवा महल में इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है। हम जब आए थे ना यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी, अभी देखो यहाँ कितनी भीड़ हो रही है। मेरे को लग रहा है मैं यहाँ पर पानी कैसे पी पाऊंगा। लोगों से पूछता हूँ कि 10 रुपए में क्या क्या मिलने वाला है। 10 रुपए मेरे पास चैलेंज है कि 10 रुपए मेरे को यहाँ पर सर्वाइव करना है 24 घंटे के लिए। क्या रुक सकता हूँ मैं 10 रुपए में? क्या लगता है आपको 10 रुपए में क्या आएगी? 10 रुपए में पानी की बोतल आ जाएगी? तो भैया बोल रहे पानी की बोतल मिल जाएगी केवल 10 रुपए के अंदर, लेकिन देखते हैं पानी की। तो गाइस अभी के बज चुके हैं सुबह के 7:07 बजे, यहाँ पर भीड़ हो रही है। यहाँ पर भीड़ इसलिए हो रही है कि आज है 2 अक्टूबर, गांधी हमारे महात्मा गांधी जी का जन्मदिन था, और यहाँ पर देखो इतनी सारी भीड़। गाइस यहाँ पर है ना खूब सारे बंदे वगैरह, देखो फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। मैं सबसे पूछता हूँ कि मैं 10 रुपए में रह पाऊंगा नहीं पाऊंगा। यह कुछ ऐसे यहाँ पर बालकनी वगैरह हो गई साहब। मेरे को आज चैलेंज मिला है कि मैं 10 रुपए के अंदर सर्वाइव कर सकता हूँ 24 घंटे के लिए। 10 रुपए में क्या मिल सकता है आपके हिसाब से? 10 रुपए में खाने के लिए कुरकुरे मिल सकते हैं? कुरकुरे से तो पेट भी नहीं भरेगा मेरा, नहीं रह सकता मैं 24 घंटे के लिए। कैसे दिया? 20 का फूल दिया। कितने का? 20 का फूल। 20 का फूल और 30 का फूल है भैया। कोई सस्ते में नहीं हो सकता क्या? मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत कम पैसे, 10 रुपए हैं। हाँ कोई 10 मतलब 2-3 रुपए में कुछ हो सके। अरे तू जा रही। तो गाइस अभी मुझे मिला है केले वाले भैया, मैं केले वाले भैया से पूछता हूँ क्या वो केले वगैरह दे सकते हैं मेरे को। यार अंकल जी केले वगैरह कैसे दिया? हाँ बेच रहे नहीं अभी अंकल जी? अभी केले नहीं बेच रहे हैं। बस अभी पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो मैं पूछ रहा हूँ भैया यहाँ पे कोई पानी है जहाँ पे पानी फ्री मिल सकता है? पानी फ्री नगर निगम में दिया है। यहाँ पे आस पास में नहीं है क्या? मंदिर के पास में फ्री में मिलेगा? पैसे नहीं लगते ना कोई? पैसे पानी भी खाते हैं। किसी भैया ने कहा था पानी फ्री का पानी, तो ये पानी फ्री का है, यहाँ से पानी पी लेता हूँ, पहले प्यास से बुझाता हूँ। बहुत टेस्टी है। हमें हमारी जैसे है ना एक जो दुकान होती है ना यहाँ पर एक छोटी सी, वहाँ पे पूछते हैं भैया से क्या वो 2-3 रुपए में खा लेते हैं। आओ के लिए क्या क्या है खाने के? तो भैया गुटके गुटके ये क्या खाने के लिए? कोई छोटे मोटे नहीं है जो 2-3 रुपए में आ सके? कुछ 2-3 रुपए सुपारी है? सुपारी नहीं खाएंगे। चाय कैसे थी? कैसे थी? 10 रुपए की। कुछ खाने के लिए क्या कोई बहुत कम सस्ता है में कोई? कितने का है ये? 6 रुपए का। और सस्ता नहीं है? और सस्ता कुछ नहीं है। और आज यार 10 रुपए में दिल निकालना पूरा, 10 रुपए में दिल निकालना। निकाल पाऊंगा? निकालूंगा सिर्फ देखते रहो इसको।
और देखते ही रहना क्या क्लास को। मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है मेरे पास, चैलेंज है मेरा ये कुछ। अंकल चाय पिला दो पिला दो फिर चाय पिला दो। तो भैया हमें चाय पिला रहे हैं, भैया का दिल बहुत बड़ा है सच में, बोलो चाय पी लेते हैं। अभी जाते हैं हम अपनी भूख का इंतजाम करते हैं, चाय तो पी लिए सुबह सुबह की चाय, गरम गरम चाय। ओ मेरे को नहीं लगता कि मैं फ्री में यहाँ कुछ भी खा पाऊंगा, क्योंकि जिसके भी देख रहे हो प्राइस वो ज्यादा है, 20-30-40-50 रुपए, मेरे का 10 रुपए। मेरे को लग रहा है मेरे को यहाँ काम ढूंढना पड़ेगा, तो देखते हैं किसी से काम पूछते, अगर किसी ने काम बताया तो काम कर लेंगे, कुछ भी काम हो हमारे लिए, कुछ भी काम। तो दुकानों पे जाके पूछते हैं भैया कोई काम वगैरह हो जिससे मैं अपना पेट पूजा कर सकूं, लाओ। अंकल जी राजस्थान पहुंचा गए, अंकल जी यहाँ पे कोई काम वगैरह मिल सकता है क्या मेरे को? ऐसे से पूछना पड़ेगा जाके, और पूछना पड़ेगा। हाँ ऐसे काम कैसे मिल जाएगा, इस टाइम काम है काम ही नहीं है इस टाइम। तो गाइस खूब सारी मेहनत करने के बाद मतलब सब दुकानों पे जाके पूछा, किसी ने भी काम नहीं दिया, किसी ने भी खाना नहीं दिया, एक भैया ने चाय वगैरह पिलाई थी और सुबह से बहुत ज्यादा भूख लग रही है। यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा धूप पड़ने लग गई, लेकिन मैं यहीं पर आने में आने वाला, मैं यहाँ से जाके कहीं और जाके ट्राई करने वाला हूँ, लेकिन अपने पेट पूजा जरूर करने वाला हूँ। 10 रुपए तो है ना हमारे पास। और उसके बाद आपका भाई फिर से उठा और काम की तलाश में लग गया, अब की बार उसको चाय के गिलास भी क्यों ना धोना पड़े। कल जी यहाँ को काम वाम मिल सकता है मेरे को? अरे तो भूख लग रही थी, मैं सोचा कोई काम वाम मिल जाए तो कोई गिलास विलास धोना हो तो मैं धो सकता हूँ। मेरे को क्या भूख लग रही है तो खाना है, कोई काम नहीं है क्या पे? अंकल जी यहाँ पे कोई काम वाम मिल सकता है क्या, ऐसे कोई काम वगैरह हो जहाँ पैसे मिल सकते हो? गोपाल जी का रास्ता, पैसे दे देगा वो? मैं नागौर से आया हूँ, नागौर। तो अंकल जी के बताए नियमानुसार हम जा रहे गोपाल जी के रास्ते पर, और वहाँ मिलने वाले हैं हमें कोई लोग जो हमें कहीं पे भी काम पे लगा सकते हैं, देखते हैं उनसे भी ट्राई करते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अंकल जी यहाँ पे कोई काम वाम मिल सकता है क्या? कैसे कैसे मिल जाएगा काम करने? कुछ भी काम वगैरह हो, भूख लग रही है आज, पैसे मतलब पैसे कमा के खाना है, खाना खाना। कोई ऑटो वोटो मिल सकता है क्या, ऑटो चलाने के लिए? मैं चला लूंगा ऑटो वगैरह। नहीं फिर कैसे हो सकता है, कैसे मेरे को काम वगैरह मिल सकता है? आप बोले थे ना अभी काम मिल सकता है, आप बोले थे ना अभी काम मिल सकता है यार, यहाँ से करीब 4 दरवाजा वहाँ पे मजदूर लोग बैठते हैं, वहाँ काम मिल, मजदूर लोग मतलब वहाँ पे मिल जाएगा काम वगैरह, मतलब खाना वगैरह मिल जाएगा मेरे को खाना खाना आज, क्योंकि खाना तो यार 8 रुपये में सरकार गवर्नमेंट दे रही है। कहाँ पे मिल रहा है 8 रुपये में? 8 रुपये में खाना मिलता है। कहाँ पे? अपनी गवर्नमेंट हर जगह दे रही है। अच्छा है कि 8 रुपये में आप खाना खा सकते हो जहाँ पर रसोई वगैरह खोली है, लेकिन एक बार भैया बोल रहे कि आप जाओ और आप काम वगैरह देख सकते हो, कोई ना कोई जैसे मैं पैसा भूख लग रही है सुबह से कुछ नहीं खाया काम। हाँ काम मतलब किस टाइप में क्या करना है? कोई सा भी कोई काम हो, जैसे कुछ बेचने का काम हो मैं बेच सकूँ, कुछ भी नहीं है? नहीं कुछ भी काम नहीं है। तो भैया बोल रहे हैं कुछ भी काम नहीं है तुम्हारे लिए लायक, तो यार मेरे लिए लायक कोई काम ही नहीं बनाएगा किसी ने। खूब सारा घूमने के बाद में किसी ने भी मेरे को खाना वगैरह नहीं दिया, बोला फ्री में कोई खाना नहीं होता। तो यहाँ एक ऑटो वाले भैया ने कहा था कि आप है ना 8 रुपए में खाना खा सकते हो, तो एक इंदिरा गांधी रसोई योजना है जो 8 रुपए में खाना देती है, और यहाँ हमारे पास में ही है, तो हम वहाँ जाकर खाना खाते हैं। कल जी यहाँ पे 8 रुपए की जो थाली मिलती है ना 8 रुपए में खाना, वो कहाँ मिलता है? अभी नहीं मिला, बंद हो गया। बंद हो गया 8 रुपए में खाना मिलता है ना, कहाँ पे मिलता है? 2 रुपए की हमने चीजें ले ली है, एक पास दी एक मेरे लिया, अभी मेरे पास 8 रुपए बैठे हैं। भैया कैसे थे छाछ वगैरह? 20 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 10 रुपया। भैया पैसे नहीं है मेरे पास, आज चैलेंज है मेरे पास कि मेरे को 10 रुपये ही खर्च करने हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है फ्री में है? फ्री में पी लो,
तो भैया मेरे को फ्री में पिला रहे, देख लो मतलब भैया का इतना दिल बड़ा है। तो भैया पिला दो, कौन सा गिलास पिला रहे हो? ये पिला रहे हो क्या? पिला दो। तो भैया फ्री में पिला रहे, देख रहे हो कितना। भैया इसके अंदर क्या डाला आपने? राबड़ी। छाछ राबड़ी है क्या? हाँ, जो की राबड़ी है वो। कितना गिलास दे दिया, कितना दिल अच्छा है भैया का, लाजवाब एक नंबर है। क्या जुगाड़ करते हो, होता नहीं होता। ये 2-3 रुपए के नहीं आते क्या कोई? 2-3 रुपए में नहीं आते। गाइस धूप वगैरह बहुत ज्यादा पड़ रही है, अभी टाइम देखो कितने बज चुके हैं, 11:21 हो चुकी है अभी देखो टाइम वगैरह। गाइस अभी धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है, यहाँ पे देखो लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। ये हो गया हवा महल, नीचे खड़ा हूँ अभी मैं, मेरे को ज्यादा ऑफर्ड सा फील हो रहा है यहाँ पे मैं लोगों के सामने, लोग मेरे को देखने लग गए, मेरे को लग रहा है मेरे को थोड़ा साइड में हो जाना चाहिए। धूप देखो पूरी रोशनी चेहरे के ऊपर आ रही है और ऐसा लग रहा है एक दिन में ही काला हो जाऊंगा। अभी थोड़ा साइड में बैठ जाता है साइड में और लोगों से ट्राई करते हैं और कुछ खाने के लिए। बिस्किट वगैरह के 40 के पाव बार 40 के पाव तो सस्ता नहीं है कि कोई और सस्ता। मेरे पास 8 रुपये भैया, मैं पूरे मेरे मतलब यार चैलेंज था कि मैं 10 रुपये में दिन गुजारूँ, मेरे पास 8 रुपये बचे हैं। सुबह से आ रहा हूँ 5 बजे से, अब कोई 5 रुपये में कुछ दे सको तो कुछ छोटी मोटी चीज़ खिला सको तो भैया थैंक यू। तो भैया ने देखो गाइस मेरे को भैया ने 2 बिस्किट दिए हैं 5 रुपये में, थैंक यू आपको। अभी इससे जाके पेट पूजा करते हैं, अभी 3 रुपये फिर भी बचे हैं मेरे पास। 5:46 हो चुके हैं, भैया ये बताओ ना क्या एक मतलब 1-2 रुपए में क्या चीज़ आ सकती है जिससे पेट भर जाए मेरा? 1 रुपए में पेट भरने वाली चीज़ तो कोई नहीं आएगी। कोई नहीं क्या आएगी 1-2 रुपए? क्योंकि मेरे पास आज चैलेंज था, मेरे पास 3 रुपए बचे, 10 रुपए में मैं 7 रुपए में खर्च किया मैंने अभी तक, सुबह 5 बजे से आया हूँ। 1-2 रुपए में क्या खा सकता हूँ वो दे दो आप, सुपारी खा लो, चुटकी दे दो आप। मैं फाइनली 2 रुपए में 2 चुटकी लेके आया हूँ। इंतजार आ रहा है, हम इतनी ज़्यादा वेट कर रहे थे पूरा 24 घंटे के लिए कि यहाँ की लाइट्स वगैरह झुक गए, देखो यहाँ पे पूरी लाइट्स वगैरह झुक चुकी है, ऊपर देखो कितना अच्छा लोकेशन वगैरह आने लगा। अभी भी कुछ लाइट्स है जो अभी ऑन होना बाकी है, तो ये लाइट नीचे वाली लाइट्स है जो ऑन होना बाकी है, अभी नीचे वाली लाइट झुकेगी ना तब और भी ज़्यादा मस्त लगने वाला है। अभी के बज चुके हैं 7:30 और अभी ये लाइट वाइट झुकी थी एक बार, अभी कुछ भी नहीं झुक रहा, वापस बंद हो गई लाइट वाइट, और अभी देखते हैं कितनी देर में लाइट झुकती है, क्योंकि अभी जो इंटरेस्टिंग वो मज़ा आ रहा था पूरे दिन, हमने लोगों से पैसे मांगे, लोगों से खाना मांगा था, लेकिन लोगों ने भी बड़ा मज़ा किया था मेरे साथ। और ये देखो कुछ ऐसा सीन है, यहाँ पर आ गया था मैं और ये अभी लाइट वगैरह बंद हो चुकी है, अभी देखते हैं लाइट वगैरह वापस चालू कब होती है। तो लाइट जाने के बाद भैया हम 1-1.5 घंटे तक वहाँ पर वेट किया कि भाई लाइट आएगी और हम अच्छे अच्छे सोच लेंगे, लेकिन हुआ क्या कि भाई लाइट जाने के बाद लाइट आने का ही नाम नहीं ले रही थी। तो फिर हम घर के लिए रवाना हो गए क्योंकि हम 5 बजे से वहाँ पे आए हुए थे और हम लगभग वहाँ पे 16-17 घंटे बिता चुके थे। तो फिर हमने सोचा कि यार घर चलते हैं, और वहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह की बहुत ज़्यादा आवाज़ वगैरह आ रही थी तो सर में दर्द हो रहा था, तो हम निकल गए घर के लिए।